दोस्तों, होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं को दिन में केवल एक बार खाना है, उन्हें सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए। मुंह में अच्छे से कुल्ला करके, गार्गल्स करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए और उसके बाद हमें होम्योपैथिक दवाई खा लेना चाहिए। जिन दवाओं को दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार खाना होता है, उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर 2 से 2.5 घंटे बाद ही खाएं। और उस स्थिति में भी हमारे मुंह में किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद नहीं होना चाहिए, ना ही हमारे मुंह में किसी भी चीज की गंध होना चाहिए, जिससे कि ये होम्योपैथिक दवाएं हमारे शरीर पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी मेडिसिन के बारे में जिसका उपयोग होम्योपैथी में बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है, शरीर में तरह तरह की गठानों के इलाज के लिए। मतलब कि शरीर में जहां कहीं भी कोई गांठ हो जाती है, कोई सिस्ट बन जाता है, कोई ट्यूमर बन जाता है, कोई स्टोनी हार्ट कैलक्यूलस जैसा कोई गांठ डेवलप हो जाता है, तब इस मेडिसिन का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है और बहुत ही सक्सेस मिलती है इसके यूज करने से। इस मेडिसिन का नाम है दोस्तों कैल्केरिया फ्लोर। सबसे पहले हम बात करते हैं हमेशा की तरह मेंटल सिम्टम्स से कि कैल्केरिया फ्लोर का जो पेशेंट होता है वास्तव में वो मेंटली उसका नेचर कैसा होता है। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट इसमें सिम्टम है वो है कि कैल्केरिया फ्लोर का जो पेशेंट होगा, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, उसको गरीबी से बहुत ही ज्यादा डर लगता है। यहां पर गरीबी का मतलब हो सकता है कोई भी ऐसी चीज जिसमें उसको कमी महसूस होती है। मान लीजिए कि यदि कोई वो फीमेल है तो उसको अपनी सुंदरता में कमी का एहसास जब भी होगा तो उसको वो फियर ऑफ पॉवर्टी के अंतर्गत लिया जाएगा, यानी कि गरीबी का डर है, मतलब उसकी सुंदरता कम हो रही है। यदि ये कोई आदमी है तो उसको बिजनेस में यदि कोई लॉस हो रहा है तो उसको पैसे की कमी की उसको डर लगेगा, ये फियर ऑफ पॉवर्टी। मतलब कि किसी भी चीज में उसको कमी यदि महसूस होती है, यदि कोई अच्छा वजन वाला लड़का है और उसको अपना वजन कम होता दिख रहा है तो वो फियर ऑफ पॉवर्टी के अंतर्गत हम इसमें लेंगे। तो ये जो डर होता है उसको कैल्केरिया फ्लोर को बहुत ही ज्यादा लगता है और इसी के कारण उसको रीएश्योरेंस की बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ती है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। आपने अपनी लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे जो ज्यादातर मैरिज जब करते हैं, शादी जब करते हैं, तो वो ये देखते हैं कि परिवार का फाइनेंशियल स्टेटस बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। लड़कियां भी सोचती हैं कि मुझे फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा हाई स्टेटस मिलना चाहिए। तो ये जो डर होता है ये फियर ऑफ पॉवर्टी कहलाता है और कैल्केरिया फ्लोर में ज़्यादातर ये देखने को मिलता है। इसके अलावा ये जो पेशेंट होती है ये अंदर से डरा हुआ होता है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, अंदर से इसको डर लगता है, डेथ का डर होता है, इम्पेंडिंग डिसीज का डर होता है। मान लीजिए उसको सर्दी जुकाम होना शुरू हुआ तो उसको लगेगा कि कहीं उसको कोई एलर्जी तो डेवलप नहीं हो गई है, कहीं उसको साइनसाइटिस ना हो जाए, कहीं उसको कैंसर डेवलप ना हो जाए, कहीं उसको ट्यूबरकुलोसिस ना हो जाए। तो इस तरह के जो डर होते हैं ये कैल्केरिया फ्लोर के पेशेंट में बहुत ही ज्यादा देखने को मिलते हैं। इसके बाद कैल्केरिया फ्लोर का जो खास तौर से यूज किया जाता है वो गठानों के लिए किया जाता है। तो यदि हम सिर की बात करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के सिर की हड्डियों में एक्सोस्टोसिस डेवलप हो जाती है, यहाँ पर एक गठान पड़ जाती है, हड्डी बढ़ जाती है। यहाँ पे सिर में आपने देखा होगा, ज्यादातर ऑक्सीपुट में आपने यहाँ देखा होगा कि यहाँ पर पीछे इस हिस्से में इनको बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है, कोई गठान इनकी बढ़ जाती है। इसके कारण उन लोगों को बड़ा कभी कभी पेन बहुत ज्यादा होता है। उस कंडीशन में कैल्केरिया फ्लोर का यूज करना चाहिए। 6x पोटेंसी में 4-4 टेबलेट्स दिन में 3 बार यदि हम देते हैं तो वो जो एक्सोस्टोसिस होता है वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। यदि हम इसके दूसरे मेंटल सिम्टम्स की बात करते हैं तो ये लोग एक तरह के बहुरूपीय होते हैं, इनको नकल करना बड़ा अच्छा लगता है, ये लोगों की नकल बहुत अच्छे कर सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे जो टीवी शोज आते हैं उनमें बहुत सारे लोग होते हैं जो आर्टिस्ट होते हैं, जो मिमिक्री बहुत अच्छी करते हैं, इमिटेशन बड़ा अच्छा करते हैं, वो लोग कैल्केरिया फ्लोर के अंतर्गत आते हैं। कैल्केरिया के जितने भी मेडिसिंस हैं उनमें फियर बहुत ज्यादा होता है, चाहे वो कैल्केरिया कार्ब हो, कैल्केरिया फॉस हो, कैल्केरिया फ्लोर हो, ये जितनी भी मेडिसिंस होती हैं कैल्केरिया ग्रुप की उसमें डर बहुत ज्यादा लगता है। यदि हम इसकी जनरलिटीज की बात करते हैं तो जनरलिटीज में जैसा कि मैंने आपको बताया कि गांठों के लिए इसका बड़ा अच्छा यूज किया जाता है। शरीर में कहीं ट्यूमर हुआ हो, लाइपोमा हुआ हो, सिस्ट बन गया हो, यूट्रस में फाइब्रॉइड बन गया हो, ओवरी में ट्यूमर हो गए हो, सिस्ट हो गए हो, उस कंडीशन में कैल्केरिया फ्लोर
बहुत ही अच्छा काम करती है, हम इसको 6x पोटेंसी में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इसको जो एग्रावेशन होता है वो वार्म वेदर से होता है, हीट से होता है, सन से होता है, सूरज की रोशनी से इसको बड़ी तकलीफ होने लगती है, हीट इसको मिलती है तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। हालांकि जब हम गले की बात करते हैं और यदि इसको टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम है तो ठंडी चीजों को लेने से इसको एग्रावेशन होता है और वार्म ड्रिंक पीने से यानी कि गर्म दूध या गर्म कॉफी या गर्म चाय पीने से इसको बड़ा ही रिलीफ मिलता है। यदि हम नाक की बात करते हैं तो नाक में पोलिप्स भी हो जाते हैं, पोलिप भी चूंकि एक तरह का गठान होती है तो उसमें भी कैल्केरिया फ्लोर बहुत अच्छा काम करती है। यदि हम ईयर की बात करते हैं तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में होने वाले एक्सोस्टोसिस के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है कैल्केरिया फ्लोर। यदि हम आंखों की बात करते हैं तो जिन लोगों को बार बार आईलिड पर सिस्ट डेवलप हो जाता है उनके लिए कैल्केरिया फ्लोर एक मैजिक की तरह काम करती है और इसको जब भी हम 6x पोटेंसी में कुछ दिनों तक कंटिन्यू करते हैं, 4-4 टैबलेट दिन में 3 बार, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इसके हम यदि स्टमक की बात करें तो ये जो पेशेंट होता है इसको इंडाइजेशन बड़े जल्दी हो जाता है फैट फूड खाने से। मान लीजिए उसने पिज्जा खा लिया या फिर उसने पुड़ियां बहुत ज्यादा खा ली या फिर उसने पराठे खा लिए, इस तरह का फैट फूड कुछ खा लिया तो उसको स्टमक में इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कभी डायरिया हो जाता है उसको, स्टमक में पेन बहुत ज़्यादा इसको दर्द होता है। खास तौर से इसका एक सिम्टम होता है, यदि हम एब्डोमिन की बात करें तो इसका एक सिम्टम होता है कि इसको भूख बहुत ज़्यादा लगती है और भूख ज़्यादा लगने के साथ ही उसकी बॉडी में इमेसिएशन भी होता है, मतलब कि खाना बहुत अच्छा खाएगा, वो बार बार खाएगा, दिन में 4 बार भी खा लेगा लेकिन बॉडी उसकी डेवलप नहीं हो पाती है, वेट उसका डेवलप नहीं हो पाता है, बॉडी में ग्रोथ नहीं होती है। ये सारे सिम्टम स्टमक और एब्डोमिन के अंतर्गत आते हैं। यदि हम दांतों की बात करते हैं तो दांतों में जब भी इनेमल की कमी होती है यानी कि डेफिशिएंट इनेमल के लिए होम्योपैथी में एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है कैल्केरिया फ्लोर। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के दांत पतले हो जाते हैं, टूटने लगते हैं और इनेमल की कमी हो जाती है, काले पड़ने लगते हैं, उस कंडीशन में कैल्केरिया फ्लोर बहुत अच्छा काम करती है। हालांकि काले दांतों के लिए क्रियोजोल्ट सबसे अच्छी मेडिसिन मानी जाती है, लेकिन यदि सिम्टम कैल्केरिया फ्लोर से मैच करते हैं बाकी दूसरे तो कैल्केरिया फ्लोर का यूज करना चाहिए। इसका एक बहुत खास सिम्टम होता है कि इसकी जो महिलाएं होती हैं पेशेंट, यदि उनको प्रेगनेंसी में फ्लैचुलेंस बहुत ज़्यादा बनती है तब यानी कि गैस बहुत ज़्यादा बनती है तो कैल्केरिया फ्लोर का यूज करना चाहिए 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद सुबह और शाम को। उनको बहुत ही अच्छा रिलीफ फ्लैचुलेंस में मिलता है जब भी प्रेगनेंसी के दौरान ऐसा देखने को मिलता है। यदि हम फीमेल जेनिटेलिया की बात करते हैं तो फीमेल जेनिटेलिया में यूट्रस में ट्यूमर हो जाना, यूट्रस में सिस्ट बन जाना, यूट्रस में फाइब्रॉइड बन जाना, ओवरी में सिस्ट बन जाना, ओवरी में ट्यूमर्स बन जाना, बहुत ही अच्छी मेडिसिन इसके लिए यूज होती है कैल्केरिया फ्लोर। और खास तौर से स्तन में यानी कि मैमी में जब भी कभी किसी भी महिला को गांठ की कोई शिकायत हो जाती है यानी कि छोटी छोटी गठाने पड़ जाती हैं जिन्हें फाइब्रोएडिनोमा भी कहा जाता है, तब उस कंडीशन में एक बहुत ही अच्छा काम करती है कैल्केरिया फ्लोर। इसका जो गांठ होती है वो स्टोनी हार्ड होती है, मतलब कि जैसा कि कॉर्नियम मैक्यूलेटम में मैंने आपको बताया है कि कॉर्नियम की जो पेशेंट होती है उसके स्तन में जब भी कोई गांठ पड़ती है तो पत्थर जैसी गांठ पड़ती है, ठीक वैसी ही गांठ कैल्केरिया फ्लोर में भी स्टोनी हार्ड पाई जाती है। यदि हम इसकी एक्सट्रीमिटीज की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को गैंग्लियन होने की शिकायत होती है, यहाँ पर सिस्ट एक डेवलप हो जाता है, उसमें पानी भर जाता है, उसमें बहुत ही अच्छी एक मेडिसिन है कैल्केरिया फ्लोर, बराइटा कार्ब भी उसमें बहुत अच्छा काम करती है। कई सारे लोगों को आपने देखा होगा कि एक्सोस्टोसिस डेवलप हो जाता है, जैसे कि पैरों में हील स्पर का डेवलप हो जाना, हील स्पर की मेडिसिन है कैल्केरिया फ्लोर, बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। शरीर में कहीं भी कोई हड्डी यदि थोड़ी बहुत बढ़ गई है, नाक की हड्डी जैसे कई लोगों की यहाँ से बढ़ जाती है, उसमें साइलिशिया के साथ कैल्केरिया फ्लोर बहुत अच्छा काम करती है। ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं वो कैल्केरिया फ्लोर के अंतर्गत देखे जाते हैं। इसके अलावा यदि हम कमर की बात करते हैं तो स्कोलियोसिस की बहुत अच्छी मेडिसिन है, यानी कि कूबड़ निकलने की बहुत अच्छी एक मेडिसिन है, कर्वेचर डेवलप हो जाता है स्पाइन में, उसकी ये बहुत अच्छी दवा है। यदि हम स्किन की बात करते हैं तो स्किन थिक हो जाती है, व्हाइट हो जाती है, क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, इसके अलावा फिस्टुलास डेवलप हो जाते हैं स्किन में, इस तरह के केसेस में कैल्केरिया फ्लोर बहुत अच्छा काम करती है। यदि हम जॉइंट की बात करते हैं तो जॉइंट में जब भी कभी ओवर एक्सटेंशन डेवलप होता है तो इसके लिए कैल्केरिया फ्लोर बहुत अच्छा काम करती है। लिगामेंट में होने वाली इंजुरी में भी कैल्केरिया फ्लोर बहुत अच्छा काम करती है। तो दोस्तों ये जो सारे सिम्टम्स होते हैं ये कैल्केरिया फ्लोर की एक जनरल ड्रग पिक्चर को आपके सामने बनाते हैं। कैल्केरिया फ्लोर का यूज इन सारे सिम्टम्स में किया जाता है, बहुत ही अच्छी दवा है जैसा कि मैंने आपको बताया,
गांठों के लिए। आज के लिए फिलहाल इतना ही, आगे के वीडियोस में हम बात करेंगे कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।